सार्वभौमा असम किसान प्रणाली सेवा समिति के कल का पदस्थ श्री श्याम कृष्ण शर्मा जी लामा असम में हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए कैसे करो यहाँ मुझे देखो राज्य असम किसान प्रणाली सेवा समिति के कल का निवर्तन अध्यक्ष जस्ट छोटे मंच में दूसरों के मंच संचालन करने का कार्यक्रम पूरा करने सफल बनाने वक्त से श्री श्याम के सीजीला में आसन के लिए हार्दिक अनुरोध करते हैं बेहतर मिनट हुआ कैसे करो सबसे पहले सेवा समिति नेपाल का उपाय बच्चे श्री हम प्रसाद धन्य जोला बोले मैं थोड़ा ही समय में ये आसन में आज लगा मेरे बोला रखे कुछ मंच में आसन गायक लगा समस्त बाजीराज महिला समिति का संपूर्ण पदाधिकारी जी और श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल का संपूर्ण पदाधिकारी जी और सभी में हार्दिक प्रणाम करते हैं म श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पतंजल श्रीमान नित्यानंद ब्रह्म सेवा भवन कुंडदान को विधिवत रूप में सभी कुरा संपन्न भाई समागम भर उद्घाटन भर अब समापन का अवसर अपने मूल समारोह समिति 551 जना को थी तो सबई दोहराएर तीन वर्षसम करने पे तीन वर्ष अगड़ी देखि को मूल समारोह समिति बने तीन वर्षसम कतिला अड़ाने कतिला राखने मूल समारोह समिति का संयोजक श्री विष्णु साहब नेपाल जिला में माथि आसन ग्रहण कर हार्दिक अनुरोध करना चाहिए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री नर्तन धाम काठमंडू का संचालन समिति का अध्यक्ष लगात संपूर्ण परिवार विभिन्न मंदिर पालन अध्यक्ष लगात संपूर्ण पदाधिकारी जी टाड़ा नजीक गए पालन समस्त सुंदर साथ पत्रकार बहनी अस सूर्यनाग नगरपालिक चांगुनारायण नगरपालिक भक्तपुर नगरपालिक सब नगरपालिक का प्रमुख लगात एवं प्रतिनिधि सब जनप्रतिनिधि सुरक्षा पकर के दो हुकुम करत है मास के माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के बासो एक मेरा मदृढ़ किया अजर हो क्यों न हो अजर क्यों नंदो सदगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री श्री प्राण रापति श्री विराज सुना तेज कुहरी श्यामल पल पल करो पल पल करो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री राधा कृष्ण राज शर्मा जी की असीम कृपा नेपाल काठमांडू भक्तपुर कतुंजी का यह दिव्य धरती जहां पर श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति जो संपूर्ण नेपाल के लिए है इसकी एक इकाई भक्तपुर के सेवा समिति और सुंदर साथ के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण और
सेवा पूजा प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगलमय प्रसंग, जहाँ पे हम सभी सुंदर साज को दर्शन दे करके और अपनी अपनी वाणी से कृतार्थ करने के लिए उपस्थित है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आदरणीय गुरुजन। प्रथम हमारे कालिम्पोंग से पधारे परम सम्मानी महाराज श्री स्वामी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, पीताम्बर पीठ से पधारे हुए पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महाराज श्री स्वामी नारायण स्वामी जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित है परम सम्मानीय महाराज श्री स्वामी राजेंद्र शास्त्री जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित है परम सम्मानीय महाराज श्री स्वामी भद्रावती पीठाधीश्वर परमहंस श्री स्वामी चहलकिशोर जी महाराज, नौतन धाम के परम सम्मानीय बाबा जी श्री 108 श्री अमृतराज जी महाराज, सामला जी और नौतन धाम के परम सम्मानीय महंत श्री 108 श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी महाराज, हमारे बीच बहुत ही अच्छे ज्ञानी और सम्माननीय श्री हंसदास जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित है परम सम्मानीय महाराज श्री 108 दिव्य चैतन्य जी महाराज, हमारे बीच सम्मानीय हरिहरानंद जी महाराज, सरोव साहब के पास उपस्थित जिन्होंने 7 दिन तक आंखों से वाणी का दर्शन करके जुबान से उच्चारण करके पारायण पाठ किए, ऐसे ब्रह्मनी सुंदर साथ जी, नेपाल के जितने भी चाहे वो मधुरान महिला मंडल के सदस्य सदस्य आए हो, कृष्ण प्रणामी युवा समिति के जितने भी समिति के सदस्यगण हो और श्री कृष्ण प्रणामी नेपाल के कौन से सदस्य सेवा समिति के आदरणीय समस्त पदाधिकारीगण, श्री राज शर्मा जी के अत्यंत लाडले धर्मपारायण सुंदर साथ जी, विद्वत चरण विदेशी बहने अंतःकरण से आप सबको धन्यवाद। देखिए जिस तारतम वाणी का हम पारायण पाठ कर रहे हैं, कभी कभी हमारे बीच कुछ जरूरत से ज्यादा विद्वान जिनको वाणी नहीं पच पाती है तो आकर के हमें भ्रमित करते हैं कि पारायण पाठ करने से क्या होता है, तो ज्ञानी बनना चाहिए। पर खास आप ये ध्यान दीजिए कि ज्ञानी बनना जरूरी है, पर उससे भी बहुत जरूरी है ज्ञान को पचाना। यदि ज्ञान नहीं पचता है तो पहले से जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे अंदर में रहता है ना, उसे भी उल्टी कर कर के बाहर निकाल देता है और फिर हम कोरे का कोरे रह जाते। कभी कभी महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो दिव्य वाणी, उसके अंदर में जो चौपाई है ना, वो चौपाई विचार भी हमारे लिए हो जाती है। कभी 100 वर्ष रहो साथ में धनी अनुभव सौ पे, देखिए कितने मार्मिक चौपाई है कि कभी 100 वर्ष रहो साथ में धनी अनुभव सौ पे, पर दूसरी पंक्ति उसके बिल्कुल विपरीत है, मूल अंकुर दया बिना ले कर्मे डाले अंधे।
अंधेर का अर्थ होता है दुख नरक, उसमें डाल किनको? तो पहले की जो पंक्ति है ना कि कभी 100 वर्ष रहो साथ में, हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम प्रणामी परिवार हैं, हमारे पास में तापम का ज्ञान भी, हमें कहे कभी कभी ऐसा अनुभूति भी हो जाए कि राजी के कृपा से हमारा यह कार्य हो गया, राजी के कृपा से हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये अनुभूति भी हो जाती है, दैनिक का अनुभव सौ भी है। पर यदि हमारे पास निस्बत नहीं है और हकीकत में वह ज्ञान हमारे इस मस्तिष्क से उतर करके बुद्धि को जागृत करके जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ हो, आत्मा तक वह रस नहीं पहुंचा हो, तो फिर हमारा किया कराया सारे के सारे के ऊपर में पानी फिर जाता है, न हम घर का रहते हैं न घाट का। आज वही परिस्थिति हमारे बीच इस समय में नेपाल और काठमांडू में तो मुझे लग रहा है कि अधिकतर हो गया है। कृष्ण के संदर्भ की बात है, आज मैं प्रातःकाल चर्चा सुन रहा था, श्री मोहनानंद शास्त्री जी महाराज का, तो मुझे आनंद आया। 18,758 तारतम वाणी का जो निचोड़ वह श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का तात्पर्य सिर्फ अनादि अक्षरातीत धाम में रहने वाले परमात्मा श्री कृष्ण से नहीं है। श्री कृष्ण का तात्पर्य, श्री कृष्ण का तात्पर्य है राधा और कृष्ण। आप कभी कभी देखना बीतक हरिद्वार का प्रसंग, जब सभी संप्रदायवादियों से महामती प्राणनाथ जी महाराज का संवाद हो रहा था, चर्चा हो रही थी, तो संप्रदायवादी आचार्यों ने महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास में 26 प्रश्न किया था, जिसमें से एक प्रश्न था कि आपका जाप क्या है, किनको जाप करते हैं? महामती प्राणनाथ जी ने कहा था कि मैं जुगल किशोर को जाप है। अब जुगल का अर्थ होता है दो, युगल में अर्थ दो, अब दो तो बहुत सारे, पर महामती प्राणनाथ जी से उन आचार्यों ने कहा था कि जिस तरह से हमने धर्म शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके एक एक सवाल का जवाब दिया है ना, इस तरह से आपको भी सवाल का जवाब देना है प्रमाण के साथ। महामती प्राणनाथ जी ने कहा था कि आप चिंता न करें, हर एक एक सवाल का जवाब होगा पर प्रमाण के साथ। यदि हमें आज पूछा जाए कि हम राजसभा का तो जाप करते हैं, उसमें आ गया युगल, राधा कृष्ण जाप करते हैं, उसमें भी युगल आ गया, पर हम मंत्र को भी तो जाप करते हैं ना, मंत्र को जाप करते कि नहीं करते? फिर आप खोजेंगे कि मैं मंत्र में जुगल किशोर कहां है, तो मंत्र में जो श्री शब्द है ना, कृष्ण से पहले निज नाम श्री कृष्ण जी, वह राधा महारानी जी है। जो राधा और कृष्ण से डरते हो ना, जिनके पास में वाणी का ज्ञान है, वित्तक का ज्ञान है, चर्चनी भी जानते हो, विराट भी जानते हो, चित्रवणी भी करवाते हो, उनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा,
मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधी। सब जानते हैं पर वो अपने लिए नहीं जानते हैं, दूसरों के लिए। सद रास्ता पे ले जाने के लिए वो नहीं जानते हैं पर बल्कि अपने मान प्रतिष्ठा के लिए वो जानते हैं। जिसे महामती प्राणनाथ जी ने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि ठठानगर के रहने वाले महान श्री चिंतामणि जी महाराज के लिए कहा था कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, कि आपके ज्ञान के अंदर में जो मान प्रतिष्ठा अहंकार भरा है ना उसे आप छोड़ दो। तो उस समय में महामती प्राणनाथ जी ने एक चिंतामणि जी महाराज को ऑपरेशन करके सिर्फ उन्हीं के ज्ञान से अहंकार को नहीं दूर किया। इस वाणी के अंदर में है कि वो हमारे लिए भी वो औषधि है, वो दवा है, वो ऑपरेशन है, हमें भी दूर कर लेना चाहिए। कोई कृष्ण से डर जाते हैं तो कोई राधा से डर जाते हैं, कोई राधा कृष्ण दोनों से डर जाते हैं। पर आप अपने दिमाग में बात जरूर से जरूर रख लेना कि तारतम अव्याकृति में नहीं है, तारतम सबलिक में नहीं है, तारतम केवल में युगमाया ब्रह्मांड में नहीं है, तारतम सत स्वरूप में नहीं है, तारतम अक्षर ब्रह्म जी के पास अक्षर धाम में नहीं है, तारतम तो अक्षरातीत धाम में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उनके हृदय के अंदर में निवास स्थान कर रहा है, वो है तारतम। और तारतम वहां से आया है और उस तारतम को तारतम के अंदर में है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत का वर्णन। उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वतः प्रमाण है, स्वतः सिद्ध है। पर कभी पुराण वगैरह आप देखेंगे उसमें भी आता है कि जिस समय में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए अक्षरातीत परमात्मा के पास जाते हैं तो वहां भी वर्णन आता कि कुटस्थ एव तद्दारं कृष्ण दर्शन लालसा। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण देव श्री कृष्ण का जो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, श्यामा जी महारानी का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, राजी मां का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप मीन्स लौकिक भाषा में जिसे हम शरीर के, उस शरीर का उस स्वरूप का नाम है कृष्ण और राधा। बाकी राध और ठकुरानी उनकी उनके सत्ता का नाम, श्याम और श्यामा अवस्था का नाम है, पर परब्रह्म परमात्मा का जो असल नाम है वो असल नाम है कृष्ण राधा। इसीलिए सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज को दर्शन देकर के उन्होंने कहा मंत्र में जो मंत्र को हम जाप करते हैं उस जाप के अंदर में उन्होंने बताया निज नाम मतलब हमारा अनादि नाम है, शाश्वत नाम है, सनातन नाम है। क्या तो श्री कृष्ण जी, श्री मतलब राधा और राधा और कृष्ण है, राधा के लिए उन्होंने श्री का और जी का प्रयोग किया। हमारा मंत्र युगल स्वरूप से प्रकट हुआ है, नाम राजसमा जी राधा कृष्ण युगल स्वरूप है और ऐसे युगल स्वरूप राधा कृष्ण ये संपूर्ण 18,758 वाणी का निचोड़ है, मतलब वो चिद है, चेतन है, उससे हमें भ्रमित नहीं हो। यदि भ्रमित हो गए तो हमारे सारी जिंदगी की जो भक्ति है, साधना है,
समर्पण है, पूजा है, पाठ है, सब सफल हो जाएगा। जिसे भगवती प्राणनाथ जी ने कहा, यदि आपने चिद को छोड़ दिया, राधा कृष्ण को छोड़ दिया, तो समझ जाइएगा कि मूल अंकुर नहीं है, परम धाम का अंकुर नहीं होगा। और फिर कहां डाल दिया जाएगा? सबसे नीचे का जो बहिष्ठ है, आठवें प्रकार का बहिष्ठ, जहां पे किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। अखंड तो हो जाएंगे पर सुविधा नहीं मिलेगी, उसमें डाल दिया जाएगा। और जो राधा कृष्ण निज नाम में, राधा और कृष्ण अक्षरातीत धाम कंचन वन के सिंहासन पे विराजमान जो परमात्मा है, युगल स्वरूप, उनका नाम है। उससे यदि आप जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यह तारतम पंथ होमे कूट पलक, वह कृष्ण परमात्मा का जो प्रेम है, एक मिनट के सेकंड के अंदर में हमें वहां पहुंचा देगा। इसलिए श्रद्धा से, भाव से हम संपूर्ण तारतम ग्रंथ का निचोड़ राधा कृष्ण को स्मरण करते रहेंगे, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें बहुत ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हम पारायण करते जाएंगे, पाठ करते जाएंगे, प्रदक्षिणा करते जाएंगे, रस समाधि राधा कृष्ण नाम जाप करते रहेंगे, तब भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जो ज्ञानी भटकाने वाले हैं वो वही रह जाएंगे। हम जब यहाँ से निकलेंगे ना, तो आठ प्रकार के बहिष्ठ में नीचे भी होंगे, जो कृष्ण को नहीं मानने वाले हैं, राधा को नहीं मानने वाले हैं, उनको हम बाय बाय करते हुए और ऊपर परम धाम की ओर चल पड़ेंगे। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम पारायण पाठ करते हैं, तो यह तारतम जरूर से जरूर हमें दुनिया का सारा सुख सुविधा आनंद वैभव देते हुए और इति बैठे घर जागे धाम, परम धाम का सुख शांति आनंद हमें यहाँ भी प्रदान करते हैं। और फिर जब हमारी इच्छा हो जाती है वृद्धावस्था के बाद कि हम फिर से दुनिया में जन्म न ले, तो श्री जीव महाराज अपने हुकुम में रह करके हमें परम धाम में जागृत करते हैं। यह फल हम सभी धर्म पालन सुंदर साधी को सदैव मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ महामंगल विधाम का आशीर्वाद इस 108 पारायण में और मंदिर के निर्माण में जिन सुंदर साजी को अथक मेहनत प्रयास हुआ, जिन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर के यहाँ के जो युवा समिति है उनको सहयोग किए, उन सभी सुंदर साजी को धन्यवाद, युवा समिति को धन्यवाद, और केंद्रीय समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, अध्यक्ष जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके जितने भी सदस्य हैं, सबों को अंतःकरण से धन्यवाद, क्योंकि आप सबों का यह प्रयास बहुत ही सफल रहा। सफल प्रयास के लिए अंतःकरण से धन्यवाद, महामंगल विधाम का आशीर्वाद, श्री नारायण का प्रणाम। आइए अब जयकारा के साथ अंतिम दो प्रकरण का पाठ हम शुभारंभ करते हैं। सभी ब्रह्मणि सुंदर साह जी अंतिम दो प्रकरण का पाठ शुभारंभ करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री भागवराज महारानी की, पारायण महोत्सव यज्ञ की, सर्व सुंदर साथ की, सुपारी क्या मन के पूरी भय, तीसरी बड़ी फिरस्तों की नजर, पीछे खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे खड़ी दुनिया नूर नजर, देने का मत गए पूरे कहे, सो खास मत भालो में रहे, क्यों रहे जा कोई थी जो जाका, जावे नहीं तीनों के सका, हमेशा
ने ना किया मुकररा, ताई पे चालो जिंदगी खबर है। कोई न जाने आना जाने जिंदगी समय हादी की चेतन में उस दिन बदला हो गया अति जोरा, हाथों सीधे साहिल करे मरूर चित पहुंचे के सजदा उतने कि ना बदला की दाई दिन निहायत सरोज की तू न पावे पाँच सा पुरुष सका दिखावे किन को न बाल देवे कोई तब को न किसी के दाखल हो कुबत दिन समय कहे जाए तो कोई न पा किसी को न सके पहुँचाए हुक्म हादि के साए पुर माना करे सिबाज बता मोमिनो पहचाना मोमिना दिनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए जब जाहिर हुआ रोदार हक तब का दिए बलिया मुसाब मगर जा ये बात साहेब छत्र साल से कही गरीबान बिलंदी छत्ता को दई गरीबान बिलंदी नौमिया आगे और भाई दुकाने दर्शनिया वो सब मिला भाई बदले सब जाएंगे मना से कहे कुरान लिख कही भाई ये जारी बीच दले विस्तारा प्रगटे बिलन सब सिंदारा सब जामते सुखते दई सितारा उतारिया आई के दोस्त बारे पीछे बारी बढ़ता जिन पाए फलर के नूर मकता हजार पीछे जब गया दीना तब तो बातना तब तो पीछे तो नफा कहूँ को न भया सब जने गया डा जिला जाय उठाया आसरा एक सुरे राय के दिए दूसरे तेरे में पाएंगे या क्या मत हुई जाए बिना श्री महम्मद सरूमत रोशन श्री महम्मद करी Oh, no.
निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, 108 पाठ पारायण महोत्सव की जय, आचार्य श्री श्री नारायण दास महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री संत गुरुजन के चरणों में एवं ब्रह्म मुनिगण सुंदर साल जी को मेरा कोटि कोटि सब प्रेम प्रणाम सब प्रणाम। कहिले काहीँ कुनै चीज उल्टा हुँदो रहेछ। महाराजले यता बाहेक साता साथै मैले भने आग्रह गर्दछु हजुरले सत्र चौपाईको वाचन आवाज माइकवासित त्यो भनिदिइहाल्नु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब सत्र यो किन सत्र चौपाईको पाठ गरेको भन्दाखेरि ज्ञान यो धर यो ग्रन्थ तात्म सागर ज्ञान भक्ति र प्रेमको ग्रन्थ हो। प्रेमको कहिल्यै पनि पूर्णावती हुँदैन, नै ज्ञानको पूर्णावती हुन्छ। अनि भक्तिको त कुरै छैन, भक्ति प्रेम र ज्ञान कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन। जतिसुकै पढौँ, जतिसुकै तप तपस्या जप ध्यान गरौँ, तर त्यो कहिल्यै पूर्ण हुनेवाला छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अन्तिमको यो सात दिनको अवधिको लागि पूर्ण भयो दिन साप्ताहिक पारायण, तर यसको साथै साथै अगाडिको चौपाई पनि हामीले पढ्ने हाम्रो स्वस्थ परम्परा हाम्रो समाजमा छ। यहाँको समिति पटुञ्जेको समिति सबैभन्दा पनि पूर्ण हाम्रो केन्द्रीय सेवा समिति युवा परिषद अनि बाइजुराज सबैलाई धेरै धेरै कोटि कोटि धन्यवाद दिन म चाहन्छु। किनभने यो पारायण सुरु गर्दाखेरि धेरै सुन्दर साथलाई मनमा उथल पाथल भएको थियो, तर श्रीराजी महाराजको असीम अनुकम्पा हामी सबैमाथि बर्सिरहेको छ बर्सिरहेको छ। कहीँ थोरै केही न केही कसैको ऊ छ भने पनि आजको यो पारायणबाट यो पूर्ण आवतीको समयबाट सबैले मनमा कुनै प्रकारको धुमिलपन नराखिकन स्वच्छ पवित्र बन्नु पर्दछ भन्ने म सबै सुन्दर साथलाई सबै समितिका कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रदेखि लिएर इकाइसम्मका पदाधिकारीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अनि हामीले जुनसुकै कार्यकर्ता पनि जो जस्तो छ त्यस्तै गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, त्यसलाई तल माथि घटाउने बढाउने अनि कसैलाई त्यसमा आफ्नोपन देखाउने अनि अरूलाई कसैलाई अलिकति तिरस्कार गर्ने जस्तो त्यो कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन धर्ममा। हामीले कस्तो छ हाम्रो धर्म भनेको यस्तो पवित्र धर्म, त्यसै पनि पवित्र हुन्छ। त्यसैमा पनि 108 पाठ पारायण गर्दाखेरि अलिकति पनि कसैको कुदृष्टि कुभाव स्वार्थपन यसमा कहिल्यै पनि नआओस्। सुन्दर साथलाई म यी कुरा भन्दै भन्दै एकचोटि निजना महामन्त्रको जप गरौँ। आँखा बन्द गरेर श्री राज्यका ती दिव्य चोर कोमलाति कोमल चरणको स्मरण गर्दै गर्दै हामीले एकचोटि निजना मन्त्र छ चौपाईको पाठ गर्नेछौँ। श्री राष्ट्रन्थ प्रारम्भ मोजलनु प्रकरण चाल अबे पहला मोजलनि कहु बात तेता दुख रूपी जिन तेनी कितले कहु विख्यात विश्व में लागे जाने प्राद माये आगिन बने आगाद तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं कृपा करो छो अमद प्रणी सीता मन देव छो अति हनी अय किस देव छो हमारी सार तो बहुत गौतर सो पारा ए माया से अति बलवंती उपनी से मूल धनी थकी मुनी धन ने मना प्या हार शिवा ब्रह्मा दिका न बलाया भार सुखा सुनका दिखने नव टली लक्ष्मी नारायण ने परी बली विष्णु वैकुंठ मिला माने सागर ए उपराते सुमो विदा नाम ते के नालो एने बतने सर्वालो थयो ब्रह्मांड नो धन सहे आवयो तत्व सहो एने दिते लीदा च
चौधरी लोक खताना गीता बनी लो तत्व मोहर जीत के उपन्यास को या साके कहीं ना होते पल्लवा ये माया छे अति पल्लवा आगे लुक मांगे छे सुने लो ये नजाये पल्लवा ये ना आउदा अमृत रूप रसा छा पल्लवा अग्नि कोटि बने को मल्ला चला चतुर चपल्ला चाय लोकों विस्तार जुरा भगवती अपारा मौसम युद्ध मान्य असाधारा युद्ध करे थे पारंबारा एनु लागो कोई उठो आरा मारो के बदम के नारा एनु आजा सामा हत्यारा पुराने बूटे मंगाया एनु सुनी के रमा बीते के तनी कहो दिया परीते मैं तो रुई लिखते बैंती परमोनाई दिलीते पाई गई लगे निसले मैं तो अधुरे मजा फले जुगते प्यारे धनी धनवट करे प्यारे पल पेरे नारे पले क्या काम सारे करे मन चित प्यार सरे प्यारे धनी धनवट करे प्यारे पल पेरे नारे पले जो अंतिम को सत्र चौपाई को वाचन भयो अंतिम मध्यमा के छ ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल पैरी न हरे बलि गया काम सराडे चढ़े मन चित व्याकार सरे यो संकट मोचन मंत्र भने पनि हुन्छ यसलाई सबै सुन्दर साथले यसलाई कण्ठ गरेर हामीले पाठ गर्ने गर्नु पर्दछ र अब यो पूर्णावती भएको यहाँ हामीहरू सबैले जानिसक्नु भयो ब्रह्म मुनिहरूले सबैले राम्ररी पाठ पढिदिनु भयो त्यसमा कसै कसैको अतृप्ति वासना जो छन् तिनीहरूले केही राज्यले केही लेखे ओरे कसैले केही भने पनि कसैले दिलमा नलिनु आज हामीले 108 पारायण सम्पूर्ण गरेको छ भन्ने धारणा लिएर अगाडि बढ्नु जो जस्ताले कसैले पनि फेसबुक गर्छ भने पनि हामीलाई त्यसको चिन्ता छैन भनेर हामीले अगाडि आफ्नो भजन भक्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ हवस् त सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम अब हामी यहाँ हालमा चौपाई निस्क्यो है सुन्दर साथी सुन्नुहोस् हाल भनेको हाम्रो यो पाठ पारायण कसरी भयो कस्तो के भयो यसको यसको परीक्षाको घडी अथवा यसको फलस्वरूप त्यो चौपाईले हामीलाई दिन्छ जो नेत नेत कया निगमे सब लगे तिन शब्द मायने निराकार पार के क्यों समझे दुनिया त क्यों समझे दुनिया त बडा मिठो 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 यस हुन त चौपाई सबै मिठै मिठा छन् होइन हवे पहिलादेखि लिएर मैले करिउ मत रोशन यो सबै मिठै मिठो छ तर आजको यो पारायण प्रकरणको केही चौपाई आयो जो नेत नेत कया निगमे वेदले पनि परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्मलाई जान्नको लागि दर्शनको लागि प्राप्त गर्नको लागि बहुत मेहनत हजारौँ वर्ष वेदको ज्ञान जो तैरियो अरे आकाश निराकारमा अनि उहाँले प्राप्त गर्न सकेन वेदले उताबाट सुगन्ध आउँछ मिठो सुगन्ध आउँछ तर पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न वेदले नसकेर उसले के भनिदिए नेत नेत कही वेद निरूपा निजानन्द निरूपाधि अनुपा शम्भु विरञ्ची विष्णु भगवान उपदेहि दासो अंश ते नाना
वेदले पनि ओहो परमात्मा त छन् 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 पूर्ण ब्रह्म तर मलाई पनि प्राप्त हुन सकेन हे मानव हो ती परमात्माको शरणमा जाऊ भनेर वेदले भनिदिएको छ भने आज हामी वेदले भनेको वाक्यलाई चरितार्थ गर्दै गर्दै हामी उनी परब्रह्म परमात्मा अक्षराती श्री कृष्ण श्री राजश्यामजीको चरणमा उनी कृष्णको लागि वेदले नेत नेत कहे निगम बजे भनेर भनेको छ नेत नेत कया निगमे सब लगे तिन शब्द सारे दुनियाका मानव विद्वानहरू त्यही शब्दलाई लिएर अगाडि बढे मायने निराकार के निराकार पार के तिम्रो सबै दुनिया हद्दका दुनियाले यो शब्द वेदले कसको लागि भनेको हो के सम्झिन सक्छन् र भनेर महामती प्राणनाथजीले यो चौपाई आज हामीले जति भयो साँच्चै नै यो चरितार्थ भयो म तर अहिले जाहेर गर्दिनँ कुनै दिन कसैलाई कसैकोद्वारा कुनै ग्रुपलाई जाहेर गर्नु पर्दछ भने म जाहेर गरिदिन्छु त्यस्तै प्रकारको वातावरण पैदा हुन सक्दछ त्यसैले वेदले भन्यो जतिसुकै हामी पाठ पारायण लायौँ जतिसुकै पाठ लगाऊ 108 लगाऊ 208 लगाऊ जतिसुकै सन्त गुरुजन आचार्यलाई बोलाऊ तर हाम्रा मनको कलुषित भावना गएन भने यही त प्राणनाथजीले भनेको हो नि हाम्रो मनको कलुषितको भावना यो तेरो यो मेरो गुरु यो तेरो गुरु भन्ने भावना जबसम्म जाँदैन गुरु भनेको सत्य हो गुरु गुकार अन्धकार दुकार त निरोधक अन्धकार निरोधित्व गुरु रित्य विधीयते गुरु भनेको तेरो र मेरो यो मेरो घरको गुरु यो मेरो अर्काको गुरु यो मेरो उहाँको गुरु यो भन्ने कुरो सवाल आउँदैन त्यस्तो भावना सबैमा जाओस् निराकार निर्विकल्प स्वच्छ पवित्र बन्धु सुनेर यो पारायण भएको हो त्यसैले पारायणको प्रतिफलस्वरूप आज हामीलाई अत्यन्त राम्रो सुन्दर मिठो मिलेको छ भन्दै म सुन्दर साथीहरूलाई अब अर्जी बोल्नको लागि अर्जी बोलिसकेपछि हामी प्रार्थना के अरे आरती गर्दछौँ आरती गर्ने आरती पुजारीहरूले आरती तयार I'm gonna be